जय माता दी। मित्रों, मैं आचार्य सुमन शर्मा, आज हम जानेंगे नवरात्र में माता रानी की पूजा एकादशोपचार से किस प्रकार करें, उसमें क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले एक जल लें, उसमें एक फूल डालें और माता रानी को चार बार छींटा लगाएं। पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनीयम, पूर्ण स्नानीयम, समर्पयामि। उसके बाद एक मोली तोड़ के माता रानी को वस्त्र समर्पित करें, या आपके पास कोई चुनरी हो तो माता रानी पे वो चुनरी चढ़ाएं। वस्त्रम समर्पयामि इस प्रकार कहकर वस्त्र को समर्पित करें। उसके बाद गंध अक्षत माता रानी को तिलक लगाएं मोली से, और जहाँ तिलक लगाया उसके ऊपर आप अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद आप माता रानी को माल्या अर्पण करें, फूल माला माता रानी को चढ़ाएं। माल्यम समर्पयामि इस प्रकार कहकर माला आप माता रानी पर चढ़ाएं। उसके बाद माता रानी को धूप दीप का दर्शन करवाएं। आप अपने हाथ से धूप दीप को इस प्रकार माता रानी को आप दर्शन करा सकते हैं। उसके बाद आप नैवेद्य से पर प्रार्थना करें कि हे माँ, मैंने ये एकादश उपचार आपके सामने किया है, आप इससे प्रसन्न होइए और मेरे घर में सुख शांति और धन धान्य की वर्षा करें। जय माता।